हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर डी के सिन्हा, वेलकम इन माई चैनल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सिक्वेंसिंग द नाइट्रोजिनस बेसेज प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। You know, no any individual present on earth are similar. No any two individual are similar. And dissimilarities occurs due to change, due to difference in genetic makeup. Genetic makeup में difference के कारण ही इस world में कोई भी दो individual similar नहीं है। और जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस क्या क्यों है? सो ड्यू टू चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के बेस में बेस सीक्वेंस में डिफरेंस है, यानी जेनेटिक मेकअप डिफर है, और जेनेटिक मेकअप डिफर होने के कारण कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसा नहीं है। ओके, नो एनी टू इंडिविजुअल आर सिमिलर एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। द जेनेटिक मेकअप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर सिमिलर। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स फॉर्म फ्रॉम सिंगल जायगोट आफ्टर क्लीवेज। क्लीवेज के बाद जायगोट दो पार्ट में बटकर अलग हो जाता है, दोनों से अलग अलग एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, वह कहलाता है मोनोजायगोटिक ट्विन्स। मोनोजायगोटिक ट्विन्स का जेनेटिक मेकअप लगभग सिमिलर होता है, बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। सम डिफरेंसेस आल्सो प्रेजेंट इन मोनोजायगोटिक ट्विन्स, सच एज इन फिंगर प्रिंटिंग्स, इन कलर ऑफ आई रेटिना। ओके, दीज डिफरेंसेस आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द मोनोजायगोटिक ट्विन्स। एंड यह जो सिमिलरिटीज नहीं है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप, एंड डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप इज ड्यू टू डिफरेंस इन बेस सीक्वेंसेस और न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स सीक्वेंसिंग द ऑल न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। And you know the total number of base pair in human genome is 3 into 10 to the power 9 base pairs. यह base pairs का number, और सारे base को sequence करना है। ये human project है, आप imagine कर सकते हैं, सोच सकते हैं ये कितना बड़ा project है। Okay, human genome project सक्सेस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। इसका जो भी सक्सेस का रीजन है, बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे कुछ नए नए टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ, सच एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अगर डीएनए का एक छोटा सा भी सेगमेंट मिलता है तो पीसीआर मेथड के द्वारा उसे कई गुना उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एम्प्लीफाई कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर। सम अदर टेक्निक्स सच एज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस मेथड। दीज डिफरेंट टेक्निक्स ऑल्सो play an important role in success of human genome project. Success due to development of different techniques such as PCR, gel electrophoresis, restriction endonuclease enzyme, DNA cloning. DNA cloning means transfer of DNA from one person to another person. By vector, किसी vector के help से किसी एक living का DNA को दूसरे में transfer करना DNA cloning कहलाता है। So these techniques also helpful, are also helpful in HGP, Human Genome Project.
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एजीपी वाज स्टार्टेड इन 1990 में स्टार्ट किया गया था। और स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था तो आप याद रखेंगे, स्टार्टेड बाई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। किसके द्वारा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यह यूएस अमेरिका का डिपार्टमेंट था जो कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, लेकिन किसी एक कंट्री का इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना काफी मुश्किल काम था। यह एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, तो यूएस के साथ साथ अमेरिका के साथ साथ कुछ दूसरे भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना रोल दिया। और वह कौन दूसरा कौन था तो याद रखना है, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ अमेरिका, एंड नेक्स्ट वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम का भी एक ट्रस्ट था, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके ज्वाइंड दिस प्रोजेक्ट एज मेगा पार्टनर, ज्वाइंड दिस प्रोजेक्ट एज मेगा पार्टनर। लेटर सम अदर कंट्रीज सच एज जापान, फ्रांस, जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट का जो भी सक्सेस होने का रीजन है किसी एक कंट्री का नहीं है, बहुत सारे कंट्री का सहयोग इसमें मिला है क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। और स्पेस प्रोजेक्ट की बात करें तो स्पेस प्रोजेक्ट से भी ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। स्पेस प्रोजेक्ट में तो अलग अलग कंट्री कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन इसमें किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि एक से अधिक कंट्री का पार्टिसिपेशन था। ओके, नाउ सी, फर्स्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसके बाद आया वेलकम ट्रस्ट, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके ज्वाइंट दिस प्रोजेक्ट एज मेगा पार्टनर। ओके, लेटर ऑन सम अदर कंट्रीज सच एज जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना, इस कंट्री का भी इसमें सहयोग रहा है। एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1990 में, बट कंप्लीटेड इन 2003। इट मींस टोटल कितना समय लगा, तो 13 ईयर। एंड सीक्वेंसिंग ऑफ बेस पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट वाज कंप्लीटेड इन 2006। 2003 में सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन क्रोमोसोम 1 जीनोम का जो बेस सीक्वेंस था वह कंप्लीट हुआ 2006 में। अब देखिए, अगर हम
2003 की बात करें तो कितने समय लगा? 13 इयर्स का टाइम लगा। और ये 13 ईयर ऐसा नहीं है कि कुछ दिन काम हुआ और फिर बंद हो गया, ये कंटिन्यू नंबर ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेट्स इन दिस प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर के एक साथ लगातार काम किए, तब जाकर के यह प्रोजेक्ट 13 वर्ष में कंप्लीट हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। ओके, मैं बताया कि 13 वर्ष तक जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर लगातार एक साथ काम किए, तब यह जाकर के प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट पार्टिसिपेट किए, लेकिन जो मेन साइंटिस्ट थे, मेन उनका नाम है जॉन क्रैग वेंटर। जॉन क्रैग वेंटर, सो वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम वाज जॉन क्रैग वेंटर। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, इट इज ए मेगा बायोलॉजिकल कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट। एचजीपी इज मेगा बायोलॉजिकल कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट। बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे साइंटिस्ट के सहयोग से हुआ और अब तक का बायोलॉजी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो वह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, अब बात आती है कि भाई एचजीपी इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? तो उसका रीजन देखें, एचजीपी इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट भाई, तो रीजन देखें, द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम इज 3×10⁻⁹ बेस पेयर, एंड इफ द एक्सपेंस फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ वन बेस पेयर इज $3, सपोज दैट एक्सपेंस वन अमेरिकन डॉलर, या लिखते मैं $1 फॉर वन बेस सीक्वेंस, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में अगर $3 खर्च होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी एक्सपेंस आएगा $9 billion। एक्सपेंस आएगा $9 billion, तो काफी बड़ा एक्सपेंस है। फर्स्ट रीजन, जो भी बेस सीक्वेंस मिलता है अगर उस बेस सीक्वेंस को बुक में स्टोर किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ बुक दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम इज 3300 बुक्स। कितना बुक्स का रिक्वायरमेंट होगा? 3300 बुक्स, और बुक कोई छोटी बुक नहीं होनी चाहिए। इन ईच बुक 100 पेजेस आर प्रेजेंट एंड ईच पेज कंटेन्स 1000 टाइप लेटर। इन ईच बुक 1000 पेजेस आर प्रेजेंट एंड इन ईच पेज 1000 टाइप्ड लेटर्स, 3300 वैसे बुक का रिक्वायरमेंट्स होगा। आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, देखते हैं आगे। देखिए मैं बताया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट भाई। सो फर्स्ट रीजन, ह्यूज कॉस्ट एस्टिमेटेड $9 billion, $3 पर बेस पेयर्स। ओके, AGP data generated would have required 3300 books, each books with 100 pages and in each page
सॉरी 1000 pages एंड ईच पेज 1000 tab editor. हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस फॉर स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ डाटा. ऐसा मैं बताया कि अगर बुक में इसको स्टोर करते तो 3300 बुक का रिक्वायरमेंट्स होता, लेकिन इसके लिए बुक में स्टोर नहीं किया गया, बल्कि हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस डेवलप किया गया और उसी में सारा डाटा को स्टोर किया गया. तो सबसे बड़ा रोल इसमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस का भी आता है. और इसके बाद साइंस का एक नया ब्रांच डेवलप हो गया और उस ब्रांच का नाम दिया गया बायो इनफॉर्मेटिक्स, डेवलप्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस ड्यूरिंग एचजीपी में काम करने के लिए जो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल कंप्यूटर डिवाइस का ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसी से साइंस का एक नया ब्रांच डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. इन्फॉर्मेशन बायोलॉजी के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ओके, नाउ वी नो गोल्स ऑफ एचजीपी का गोल्स क्या है. तो सबसे पहला गोल्स तो है कि जो भी ह्यूमन प्रोजेक्ट का ह्यूमन जीनोम का बेस सीक्वेंस है, उस टोटल बेस सीक्वेंस को, जीन के सीक्वेंस को सीक्वेंसिंग किया जाए. ओके, तो वेरिएशन इज ड्यू टू चेंज ड्यू टू डिफरेंस इन जंक डीएनए, इनएक्टिव डीएनए. जंक डीएनए का जो पार्ट्स है अलग अलग ह्यूमन में डिफर होता है, जिसके कारण की जीन का नंबर वेरिएशन बताया गया, वेरी किया गया 25,000 to 30,000. सम अदर गोल्स ऑफ एचजीपीआर, नाउ सी गोल्स ऑफ ह्यूमन प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई ऑल द जीन ऑफ ह्यूमन डीएनए एंड द नंबर ऑफ जीन अप्रोक्सीमेटली 25,000 to 30,000. पहले ऐसा मानना था कि ह्यूमन जीनोम में जीन का नंबर 80,000 टू 1 लाख है या मोर देन 1 लाख है, लेकिन ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट के साथ यह कंफर्म हो गया कि जीन का नंबर 25,000 टू 30,000 है. तो उसको प्रोजेक्ट करना था. डिटरमाइन द सीक्वेंसेज ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स, 3×10^9 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, तो उसका सीक्वेंसिंग करना था. स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, मीन्स इन कंप्यूटर में इस डाटाबेस को स्टोर करना था. इसके लिए उस लाइक कंप्यूटर को भी डेवलप करना था. इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस. ओके, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स, जो भी जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसको दूसरे सेक्टर सच इंडस्ट्रीज किसी दूसरे फील्ड में ट्रांसफर करना, वहां भी उसका यूज किया जाना. टू सोल्व एनी इथिकल लीगल एंड सोशल इशू, ELSI, ethical, legal and social issue that may arise from the project. इस प्रोजेक्ट से अगर कोई कहीं कोई सोशल लीगल इशू आता है तो उसको भी सोल्व करना एचजीपी का ही एम्स था, गोल था. ठीक है, सो दीज आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अब बात आती है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन के जीनोम का सीक्वेंस किया गया तो किस ह्यूमन का जीनोम लिया गया. इसमें भी काफी समस्या थी. हर कोई चाहता था कि हमारा जीनोम का सीक्वेंस हो जाए और जिसका जीनोम का सीक्वेंस होता वो सुपरमैन बन जाता. तो इसके लिए साइंटिस्ट ने पूरे वर्ल्ड से 20 वॉलंटियर को कलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, और उसमें से 2-3 वॉलंटियर के जीनोम को लेकर के एक दूसरे से मिक्सअप कर दिया गया, मींस एक दूसरे को रैंडमली रख दिया गया ताकि यह कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि किस पर्सन का जीनोम का सीक्वेंस किया गया है. उस साइंटिस्ट को भी यह पता नहीं था क्योंकि रैंडमली जहां तहां उसको एक्सचेंज कर दिया गया, जिससे कि कंफर्म नहीं थे कि किस पर्सन का सीक्वेंसिंग किया जा रहा है, और इसके आधार पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल हुआ. अब देखिए इसका मेथोडोलॉजी क्या है. मेथोडोलॉजी
जनरली इन मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर आर मेनली टू अप्रोचेस। अब दो क्या, जैसे मान लिया सपोज दैट दिस इज डीएनए, दिस इज प्रेजेंट इन पेयर फॉर, ओके, एंड यू नो इन डीएनए कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन बोथ आर प्रेजेंट। सपोज दैट हम मार्क कर देते हैं वन इज कोडिंग अदर इज नॉन कोडिंग, तो साइंटिस्ट के सामने दो तरह की बात आई, दो पॉसिबिलिटी आई, या तो सिर्फ कोडिंग रीजन के बेस सीक्वेंस का पता लगा लिया जाए या नहीं तो पूरे डीएनए के बेस सीक्वेंस का पता लगाया जाए, और यही दो अप्रोच है, ये दो अप्रोच है। इट मीन्स मेथोडोलॉजी में दो की हमने बात कर रहे हैं, फर्स्ट है ई एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एंड सेकेंड इज सीक्वेंस्ड एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स मीन्स सीक्वेंसिंग ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ कोडिंग रीजन ओनली, ऑफ कोडिंग रीजन ओनली इज कॉल्ड ई एस टी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, वाइल अदर इज सीक्वेंस एनोटेशन मीन्स सीक्वेंसिंग ऑफ टोटल बेस पेयर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम और डीएनए। सो दे आर टू मेथड्स, और जो भी ह्यूमन प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट किया गया दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन मीन्स सीक्वेंसिंग ऑफ टोटल बेस पेयर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम और डीएनए। ओके, नाउ सी दे आर टू अप्रोचेज ऑफ मेथोडोलॉजी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस्ड टैग्स एंड सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें सिर्फ कोडिंग रीजन का सीक्वेंस किया जाना है और इसमें पूरे सीक्वेंस का, लेकिन एचजीपी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किसका यूज हुआ, एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट इन एचजीपी सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, अब देखना है कि इसका मेथड्स क्या है, कैसे हम इसको करते हैं। तो दे आर सेवरल स्टेजेस, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ होल डीएनए ऑफ सेल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिएज प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम द सेल। After that DNA is cutted, broken into a small pieces by the action of restriction endonuclease enzyme, okay, breaking randomly into fragments. They are inserted into vector like BAC or BIAC, bacterial artificial chromosome or yeast artificial chromosome. These acts as vector means helps in transfer of genome or chromosome or gene from one person to another person. तो bacteria body से vector जो है BAC, suppose that this is bacteria का plasmid है, इस बैक्टीरिया प्लाज्मिड को काट दिया गया इस ढंग से, और इसके जगह पर ह्यूमन डीएनए का जो भी सीक्वेंस जिसको करना था उसको यहां डाल दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब फिर इस पूरे वेक्टर को, इट मींस प्लाज्मिड को, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजर्ट कर दिया गया। सो वे लिखा गया दे आर इंजर्टेड इन टू वैक्टर लाइक बीएसी एंड बाईएसी, फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट लाइक बैक्टीरिया और ईस्ट। उसके जीनोम में फिर से डाल दिया गया, रिजल्ट क्या हुआ, वहां डीएनए का मल्टीप्लीकेशन एम्प्लीफिकेशन शुरू हो गया, क्लोनिंग शुरू हो गया। इन दिस स्टेज पीसीआर मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड, इसके जगह पर हम सुटेबल होस्ट के बॉडी में उसको ना डाल करके हम पीसीआर मेथड से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड से भी डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्रेगमेंट्स आर सिक्वेंस्ड एज
एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। अब उस फ्रेगमेंट्स का सीक्वेंसिंग किया गया एंड द मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। डीएनए सीक्वेंसिंग मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर वाज डबल नोबेल लॉरिएट, दो बार नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने जो मेथड डेवलप किया था उसी मेथड के अनुसार उस फ्रेगमेंट का सीक्वेंसिंग किया गया। नेक्स्ट, सीक्वेंसेस आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन, यानी जो भी सीक्वेंस मिला उस सीक्वेंस में बहुत सारा सीक्वेंस का जो रीजन था ओवरलैप फॉर्म में था। तो ओवरलैप में एक दूसरे के ऊपर जो भी रिपीटेड फॉर्म में था एक जैसा था उसको ओवरलैप फॉर्म में रख दिया गया, और जो डिफरेंसेस था उसको अलग अलग कॉलम में कैटेगराइज कर दिया गया। वही लिखा गया यहाँ, सीक्वेंसेज वेयर अरेन्ज ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन, जो सेम बेस सीक्वेंस था उसको ओवरलैप्ड वे में रखा गया और डिफरेंस वाले को अलग कैटेगराइज करके कंप्यूटेड बेस में उसको स्टोर किया गया। नेक्स्ट स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वेयर यूज टू अलाइन द सीक्वेंसेस, जो भी सीक्वेंस है उसको कंप्यूटर में स्टोर किया गया। ओके, सीक्वेंस वेयर देन एनोटेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट क्रोमोजोम, पहले तो अलग अलग क्रोमोजोम नंबर वन में कितना जीन आया, बेस क्या है, टू में क्या है, थ्री में क्या है, अलग अलग सबको स्टोर किया गया और उसके बाद क्रोमोजोम के आधार पर उसको अलग फिल्टर कर दिया गया। ओके, ऑल द क्रोमोजोम्स हैव बीन सीक्वेंस, 2006 में सभी क्रोमोजोम का बेस का सीक्वेंस कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही सभी बेस सीक्वेंस हुआ सभी क्रोमोजोम का, तो एक और भी फील्ड डेवलप हुआ, जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ जीनोम हैव आल्सो बीन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसैटेलाइट एंड पॉलीमॉर्फिज्म। माइक्रोसैटेलाइट और पॉलीमॉर्फिज्म के हेल्प से जीनोम का फिजिकल और जेनेटिक मैप, जैसे अगर हम क्रोमोजोम की बात करें, क्रोमोजोम पेयर नंबर 1, क्रोमोजोम पेयर नंबर 2, 3, 4 इटीसी, दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस, फीनोटाइप ऑफ क्रोमोजोम, ये सही फिजिकल है। अब किस क्रोमोजोम में कितना जीन है इसको भी डेवलप किया गया, और याद रखेंगे कि एचजीपी में कितने क्रोमोजोम का बेस को सीक्वेंस किया गया, तो वह क्रोमोजोम नंबर है 24 क्रोमोजोम। कितना क्रोमोजोम? 24 क्रोमोजोम। बेसेज आर सीक्वेंस्ड, अब 24 क्रोमोजोम की बात हम कर रहे हैं, इन ह्यूमन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, तो 24 क्रोमोजोम मीन्स 22 ऑटोसोमल क्रोमोजोम, 1X क्रोमोसोम एंड अदर Y क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 24 क्रोमोजोम के बेस को सीक्वेंस किया गया था। तो यह हो गया फिजिकल अपीयरेंस मीन्स फिनोटाइप, और किस क्रोमोजोम में कितना जीन है उसका बेस सीक्वेंस क्या है अगर उसको अलग अलग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मैप। सो फिजिकल एंड जेनेटिक मैप आल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मिनी माइक्रोसैटेलाइट एंड पॉलीमॉर्फिज्म। माइक्रोसैटेलाइट कल हमने बात किया था पीछे की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, मिनी सैटेलाइट का जो होता है, दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ बेस सीक्वेंस, ऑन द बेसिस ऑफ बेस सीक्वेंस। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में 1 to 9 बेस पेयर, माइक्रो में 1 to 9 बेस पेयर, इन मिनी सैटेलाइट 10 to 60, कहीं कहीं आपको 80 भी मिल सकता है, 10 to 60 बेस पेयर, एंड इन माइक्रो मोर देन 80 बेस पेयर। तो इस तीन तरह का सैटेलाइट क्रोमोजोम में मिलता है, इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जनरली मिनी सैटेलाइट इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट अब देखना है
कि एचजीपी का फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, नाउ सी साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जीनोम, जो भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ उससे ह्यूमन जीनोम के जीन के बारे में जानकारी मिली। तो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला? फर्स्ट, ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस, टोटल नंबर ऑफ बेसेस प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। ओके, टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 जीन, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेशन। पहले का एस्टिमेशन था 80,000, 1 लाख और 1,40,000, उसके कंपेरिजन में जीन और एक्चुअली में इसका नंबर क्या है, बहुत कम है। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3,000 बेसिस, एवरेज नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन जीन एवरेज इज 3,000, बट लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन और डचनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कंटेंस मैक्सिमम बेसिस 2.4 मिलियन बेसिस। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट जीन इज टीडीएफ जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन सिचुएटेड ऑन बाई क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ ओनली 14 बेस पेयर, 14 बेस पेयर का बना हुआ, तो सबसे छोटा ह्यूमन जीनोम का सबसे छोटा जीन है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन इज ए स्मॉलेस्ट जीन प्रेजेंट ऑन बाई क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ ओनली 14 बेस पेयर्स। ओके, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, टोटल जीनोम का लेस देन 2% रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स और कोड्स फॉर प्रोटीन। क्रोमोजोम फर्स्ट हैज मोर जीन, मैक्सिमम जीन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन क्रोमोजोम फर्स्ट 2,963 जीन्स, इतना जीन्स क्रोमोजोम फर्स्ट पर, सबसे ज्यादा जीन का नंबर क्रोमोजोम फर्स्ट पर, सबसे कम बाई क्रोमोजोम पर, बाई क्रोमोजोम पर जीन का नंबर है 231 जीन्स, इसको आपको याद रखना है। और सबसे स्मॉलेस्ट जीन टीडीएफ जीन, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन जीन। ओके, अब है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ, इससे बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट है, अगर जो भी डिफरेंसेज है, बेस सीक्वेंस में डिफरेंस है और उस डिफरेंस के कारण जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किसी तरह का डिजीज क्रिएट होता है, तो उस डिजीज का यह पता लगाया जा सकता है कि किस बेस सीक्वेंस में कौन सा बेस में चेंजिंग आया है, और उस बेस को ठीक करके जीन थेरापी कर करके उस डिजीज को ठीक किया जा सकता है, यही इसका सबसे बड़ा रोल है। ओके, तो आज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेसन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग अगले लेसन में अगले दिन देखेंगे। ओके, थैंक्स।